और जो भी है मांगे हैं, सरकार जब सत्ता पे नहीं आई थी उस समय बोली कि हम लोग मांग पूरा करेंगे, उस समय जेएमएम आया तो जेएमएम तो गलत है, हम लोग को जिताइए, हम लोग आपका मांग पूरा करेंगे। आज बीजेपी का पूरा 5 साल पूरा होने का है, अब 19 में इलेक्शन है, अब क्या प्रलोभन दे रहे थे। जब हम लोग उसके पहले भी 2 तारीख को गए तो बोला गया नहीं, अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो 15 तारीख को फिर हम लोग आएंगे और काला झंडा दिखाएंगे सरकार को कि हम लोग के मांग, हम लोग के बारे में कुछ भी सरकार नहीं सोच रहे हैं। अब हमारे समर्थन में क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं कि हम पारा के साथ अन्याय हो रहा है, हम आपके साथ नहीं है। आपके अभी 280 पारा चीजों को गिरफ्तार किया गया है, आप लोग तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक कि उन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया, आखिर ये कैसा अन्याय है। और 20 तारीख को पूरे झारखंड में तमाम पारा शिक्षक अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने अपने संबंधित जो थाना है, हर एक थाना में जेल भरो अभियान शुरू करेंगे और आपसे कहेंगे कि रघुवर का कितना बड़ा जेल है, इस रघुवर दास का कितना लंबा जेल है, उस जेल में हम खचाखच लोगों से भर देंगे, उसके जेल को भी देख लेंगे और जेल का सारा तोड़ करके हम अपने साथियों को भी साथ में ले आएंगे। तो सरकार नतीजा क्या हुआ कि सरकार उल्टा हम लोग पे लाठी बरसाए और कम से कम नहीं तो 300 साथी हमारे वहाँ बंद है, अरेस्ट कर लिए गए हैं, महिला तक को अरेस्ट किया गया, पीटा गया है। इस तरह से यह सरकार का नीति है, ऐसी बीजेपी सरकार से आशा नहीं था हम लोग को, जिस तरह से बीजेपी सरकार हम लोग के साथ बदसलूकी कर रही है और धमकी देती है कि बर्खास्त कर दो। अरे बर्खास्त करो, हम लोग तैयार है, 70,000 तुम 600 को क्या धमकी दोगे, हम 70,000 टीचर तैयार है बर्खास्त होने के लिए। ऐसा 8,000 नहीं, छत्तीसगढ़ में 23,000-24,000 रूपया दिया जा रहा है, बिहार में 22,000 रूपया दिया जा रहा है, यहाँ 8,000-9,000 में हम लोग को एक मजदूर का भी वेतन नहीं, उससे ज्यादा भी बदतर। खुद रघुवर सरकार भी देखे, वो भी मजदूर का यूनियन रह चुके हैं, वो खुद जाने कि क्या मजदूर कहे हैं। आज सीएम बन गए तो क्या सोच रहे, कब तक सीएम रहेंगे, वो आज नकल उठा के हम लोग फेंक देंगे उनको। ताली ताली। पति पति पति, कोई पति नहीं है, जब रघुवर को मार सकते हैं जाके घर में घुस के अपना पति को मारो, सबसे पहले अब जो मर्द सब नहीं किया था उसको तो क्या दें, चूड़ी दें कि औरत का साया दें, क्या पहनेगा सब, क्या पहनेगा वो, औरत का साया दे उसको, वहाँ क्या जाके हम लोग मार खा रहे थे, कोई मरने का स्थिति में है, कोई मर भी गया है, औरत हो के हम लोग मार खाए और पति यहाँ पुरुष होके तुम हिजड़ा के जैसा घर में तुरंत बैठा है, क्या नहीं लगता सबको, आधा रास्ता गए जेल में बंद हो गए, जाने का जज्बा लेके वो लोग बंद हो गया, पहुंच नहीं पाया, जिंदा वो लोग मौत मरा 8-8 घंटा जो जेल में बंद, क्योंकि उन लोगों के अंदर जज्बा था कि राखी जाएंगे और जाके आग लगाएंगे, और वैसा बेशरम सब जो घर में बैठा हुआ जिसको कोई नहीं जानता था, चाहता तो वो जाके वहाँ भीड़ में आ सकता था, प्रशासन जानता नहीं है, पारा नहीं जानते कि वो पारा है, प्रशासन उसको क्या पकड़ेगा, क्यों नहीं गया वो लोग, सबसे पहले उसी का यहाँ पे हिसाब होगा। और जो अभी हड़ताल हम लोग किए हैं और हड़ताल में जो साथी स्कूल जा रहे हैं इस बात का डर से कि हम लोग डीएलएड कर रहे हैं, क्या कुछ साथी ऐसा भी है कि जो कह रहा है कि नहीं इस बार अगर हड़ताल में भाग ले लिए तो नौकरी खा गया रघुवरवा, वो नहीं जान रहा हम लोग रघुवरवा को खा के आए वहाँ, तो ये तय कर रहे हैं हम लोगों को, ये दमनकारी सरकार को मतलब मेट करना होगा, ये दमनकारी करने वाली सरकार को किसी भी सूरत में झारखंड नहीं रहने देंगे। और जो हम लोगों ने तय किया है, जिसको हमने अपना कॉमन वोट दिया है, चाहे वो हमारा विधायक हो, चाहे वो हमारा सांसद हो, चाहे वो हमारा मंत्री हो, चाहे वो हमारा मुख्यमंत्री हो, आदि इस दरमियान में हमारी माओ को जिस प्रकार से लोगों ने टुकराया है और बिना शर्त हमारे तमाम शिक्षकों को रिहाई नहीं करता है, छत्तीसगढ़ के तर्ज पे हमारी सेवा स्थायी नहीं करता है, तो साथी एक एक पारा शिक्षक को नारायण महतो बनना होगा, नारायण महतो बन करके हमें तमाम सत्ता पद के विधायकों को, सत्ता पद के सांसदों को विरोध करना होगा, काला झंडा हम दिखाएंगे, अंडा और टमाटर से स्वागत करेंगे। 44 विधायक अगर यदि लिख के दे दें विधानसभा में, जो चाहे वो पारित हो सकता है, हम लोग को 81 विधायक सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब कैसा सपोर्ट है इसको हम नहीं समझ पाते हैं, जो चाहे वो हो सकता है, अगर 44 अभी जो विपक्षी नेता हम लोग के साथ खड़ा है वहाँ का रोल देख के खड़ा था, जान रहा था ताकत देख के, एक एक पारा जो वहाँ मैदान आप बीबी को ले लेके भीतर में घुसा हुआ था, नामर्द सब सब लाश खत्म, सब लाश खत्म, जब मार खा गए महिलाओं के
क्या लाज करेंगे, इससे ज्यादा लाज है। और अब ये 8,000 का नौकरी में वापस नहीं जाएंगे हड़ताल छोड़ के, चाहे कुछ हो जाए, जान सरकारी करेगा तो जाएंगे, वो 28,000 भी बढ़ाएगा, सरकारी नहीं करेगा नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए, 50,000 भी देगा, लेकिन अगर सरकारी शब्द नहीं जोड़ा पारा के आगे, पारा को हटा के सरकारी शिक्षक ने बनाया, तो अब पारा नहीं लौटेगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, मान सम्मान की लड़ाई है। एक पारा जान हथेली पर लेके घुसा था। प्रभुवर की सरकार ने जिस प्रकार से उनके गुंडों ने निहत्थे पारा शिक्षकों पर जो लाठी चार्ज किया, ये बिल्कुल ये तानाशाह हो गया है। ये चाहता है कि झारखंड में कोई नीति सिद्धांत नहीं चले, झारखंड में प्रशासन के बल पे, पुलिस के बल पे, ये रघुवर अपने गुंडों के बल पे ये राजशाही चलाना चाह रहा है। और आप देख रहे हैं कि झारखंड के तमाम अमन चैन पसंद करने वाले लोग हमारे आंदोलन के साथ में हैं। इसलिए हम तमाम शिक्षकों से भी अपील करना चाहेंगे कि इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदल देना होगा। और जब भी हम सड़कों पर उतरेंगे, अपने साथ अपने घर परिवार के साथ हम अपने गांव के भी लोगों को जोड़ करके लाएंगे और ये बताएंगे कि रघुवर कितना तानाशाह हो गया है, आज पारा शिक्षकों के साथ दमन कर रहा है, आज रसैया लोगों के साथ दमन कर रहा है, आज तमाम जितने भी अनुबंध कर्मी है, चाहे वह सीआरपी बीआरपी हो, चाहे वह मनरेगा कर्मी हो, अभी आप देख रहे हैं कि जो राज्य के निर्माण करने वाले शिक्षक हैं, जब ये बेहतर भत्ता बढ़ाने की बात करते हैं, ये सरकार कहती है कि अगर हम 500 रुपया बढ़ाते हैं तो झारखंड में 40 करोड़ का बोझ चढ़ाएगा। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे कि जिस राज्य के रहने वाले लोग हम हैं, यहां पर हम निहारों का भवन निर्माण कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि रघुवर ने एक नीति बनाया है कि शिक्षा में काम करने वाले शिक्षकों को कम से कम मजदूरी दो, और यहां पे जो शराब बेचेंगे तो शराब बेचने वालों को कम से कम 24,000 रुपया वेतन दिया जाता है। ये झारखंड की नीति है, ये रघुवर का सिद्धांत है। ये तमाम अमर कुशल लोगों से आपको ये अपील करना होगा, गांव के सभी जिलों के पास ये बात ले जाने की जरूरत अब है कि ये जो हमारी लड़ाई है, ये मान पारंपरिकों की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड की नव निर्माण करने की लड़ाई है, झारखंड की अलग पहचान दिलाने की लड़ाई है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि वाकई में माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, और हमने यही बात कहा है कि जिस जब हमारे झारखंड के साथ 3-3 राज्यों का एक साथ निर्माण हुआ है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और उस संयोग से उन्हीं राज्यों में बीजेपी की भी सरकार है। खासतौर पर हम झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। झारखंड तमाम खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, ये पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं। राज बनने के बाद ही बाकी जो राज है उनकी एक अपनी पहचान एक मजबूत बन गई है, और झारखंड में सिर्फ और सिर्फ लूट मार के सिवा दूसरा अब तक कुछ नहीं हुआ। हमारा मकसद था विरोध प्रदर्शन करना, हमने पंडाल के अंदर घुस के विरोध प्रदर्शन किया, नहीं कर पाया, रघुवर नहीं कर पाया, रघुवर का प्रशासन नहीं कर पाया ना। और एक बात और है, आज यहाँ बता देते हैं जिस संघ का आदेश हो जाएगा, ये मंत्री संतरी चाहे वो राज परिवार रहे चाहे गोड्डा निशिकांत दुबे रहे, क्योंकि हम लोग संघ का संघ हम लोगों का मुखिया है, हम लोग उसका सेना है, मंत्री है, जैसे कि मुख्यमंत्री रघुवर दास है और उसका सेना ये सब मंत्री विधायक है। हम लोगों का अष्ट मंगल को पीटा नहीं पीटा, हम लोगों को पीटा है, इसीलिए मुखिया को छोड़ के मुखिया नहीं पिटाएगा, नहीं पिटाएगा उसका मंत्री संतरी जरूर पिटाएगा। यहाँ मंत्री ताली पोतेंगे बीजेपी नेता को, बिल्कुल, और बीजेपी नेता का चमचा को, बिल्कुल मार पड़ेगा। जो चमचा पारा है वो अपने अंदर धुकधुकिया का डिब्री जला ले। अब हम लोग हड़ताल पे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, सरकार को जो करना करे हम लोग तैयार हैं। और 2019 में दिखाना है हम लोग को सरकार को, और उखाड़ के जड़ से देख देना है। Come on, stop it, come on!